हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। भूख से बेहाल लोगों के लिए बना मसीहा, प्रवासी लोगों को 34,000 भोजन के पैकेट वितरित। लॉकडाउन में जहां लोगों का आर्थिक गणित गड़बड़ा गया, लोगों को अपना पेट भरना ही दुश्वार हो गया, ऐसे में भूख से बेहाल लोगों ने आबू रोड के विजय भारती से खाने की होटल का पता क्या पूछा। उनका दिल पसीज गया। उन्होंने अपने घर से खाना लाकर भूखे परिवार को खिला दिया, लेकिन उसके बाद उन्होंने लगातार भोजन वितरण का सिलसिला जारी रखा। नतीजतन 27 मार्च से लेकर आज दिन तक वो 34,000 भोजन के पैकेट वितरित कर चुके हैं। प्रवासी श्रमिकों व प्रवासियों की क्षुधा शांत कर चुके हैं। बदलते परिवेश में समाज सेवा के मायने बदल चुके हैं। कभी कभी तो समाज सेवा भी मार्केटिंग को ब्रांडिंग का राह पर चलती दिखाई देने लगती है, लेकिन आबू रोड के विजय गोस्वामी मामले में ये मिथक टूटता नजर आ रहा है। लॉकडाउन के बाद से मावल रोड पर पैदल श्रमिकों व प्रवासियों के आने का सिलसिला शुरू हो गया। शुरुआती दौर में एक भूख से बेहाल परिवार ने विजय भारती से होटल का पता पूछा। भूख से बिलबिला रहे परिवार की दशा देखकर गोस्वामी का मन पसीज गया। उन्होंने तत्काल घर से लाकर उन्हें भोजन करवाया। तब से उन्होंने पैदल श्रमिकों व प्रवासियों को भोजन कराने का प्रण ले लिया। से भोजन देना प्रारंभ किया था और शुरू में हमने आदिवासी क्षेत्र में भोजन देना चालू किया था, जहां प्रशासन नहीं पहुंचा सबसे पहले हम पहुंचे थे। और 27 मार्च से लेकर आज दिन तक भोजन चालू हमारे को दो महीने करीब होना है। उसके बाद में हमने राजस्थान गुजरात बॉर्डर पर भोजन देना प्रारंभ किया। जो प्रवासी गुजरात महाराष्ट्र राजस्थान की ओर आ रहे, उनको सुबह शाम भोजन दे रहे थे। उसके बाद में सरकारी अस्पताल और प्राइवेट अस्पताल के मरीजों और उनके परिजनों को भोजन दिया रहा जाए, और राजस्थान रोडवेज का जो स्टाफ है उनको भी भोजन दिया रहा जाए, और साधु संत महात्मा को सुबह शाम भोजन दिया रहा जा रहा। और अभी तक हमने 34,000 भोजन के पैकेट वितरित किए जा चुके हैं। यह भोजन गोस्वामी मार्बल आबू रोड में अपने बनाया जा रहा है सुबह शाम, और खुद हमारे सहयोग से बनाया जा रहा है, किसी का सहयोग नहीं लिया जा रहा है। ट्रांसपोर्ट व्यवसाय विजय भारती ने अपनी गोस्वामी मार्बल इकाई में ही एक हिस्से को रसोई में तब्दील कर दिया। प्रतिदिन भोजन वितरण का सिलसिला धीरे धीरे रफ्तार पकड़ता चला गया। 27 मार्च से शुरू हुआ भोजन वितरण का सिलसिला आज दिन तक जारी है। अब तक वो 34,000 भोजन के पैकेट वितरित कर चुके हैं। गोस्वामी की माने तो उनका आर्थिक गणित गड़बड़ाने पर गोस्वामी समाज ने उन्हें संबल दिया, आर्थिक सहायता की। गोस्वामी की भोजन बनाने व वितरण की दिनचर्या सुबह 4 बजे से शुरू होती है, जो देर रात तक जारी रहती है। वो मावल अस्थाई बस स्टेशन मावल बॉर्डर पर जरूरतमंदों प्रवासियों को भोजन दे रहे हैं। इसके अलावा रोडवेज कर्मचारियों को सुबह शाम भोजन दे रहे हैं। आबू रोड के सभी प्राइवेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल के मरीजों उनके साथ परिवार जनों को भोजन दिया जा रहा है। रोडवेज बस स्टेशन रेलवे स्टेशन पर साधु संतों को भोजन दोनों समय दे रहे हैं। शहर में सुबह शाम दोनों समय उनकी भोजनशाला से ही भोजन बनकर सभी जगह वितरित किया जा रहा है। इस कार्य में उनके परिवार जन भी तन मन धन से उनका साथ देते हुए उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं। आबू रोड से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।